नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी का खास प्रोग्राम द करंट अफेयर शो में। और आज के द करंट अफेयर शो में हम बात करने वाले हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले गलवान घाटी को लेकर तनाव देखने को मिला और अब पेंगोंग झील में 45 सालों के बाद दोनों देशों की तरफ से फायरिंग देखने को मिला है। तो आज के करंट अफेयर में पूरा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वर्तमान विवाद को समझेंगे, उसके बाद विवाद के कारण को समझेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में जानेंगे और लास्ट में पेंगोंग झील के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज के द करंट अफेयर शो की शुरुआत करते हैं। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर पिछली बार 1975 में गोलियां चली थी। उस समय अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर हमला हुआ था, जिसमें से कई जवान शहीद हुए थे। उसके बाद 1993 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें सहमति बनी थी कि दोनों देश सीमा पर किसी भी हाल में फायरिंग नहीं करेंगे। इसी समझौते के अनुसार और इसी समझौते के चलते 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। उसके बावजूद भी गोलियां नहीं चली थीं। लेकिन भारत और चीन के बीच तनाव इस कदर बढ़ते जा रहा है कि चीन ने 7 सितंबर 2020 की रात को पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके से घुसपैठ करने की कोशिश की और भारतीय चौकी पर फायरिंग की, और इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी फायरिंग की। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मैप की मदद से समझने का प्रयास करते हैं कि जो वर्तमान विवाद है भारत और चीन के बीच एलएसी पर, वो किस वजह से है और किस क्षेत्र में है। तो अभी जो वर्तमान का विवाद है वो इस क्षेत्र में है और इस क्षेत्र को हम कहते हैं पेंगोंग सो झील। सो का मतलब भी झील होता है, लेकिन आप इसे पेंगोंग सो झील कह सकते हो, क्योंकि तिब्बत में जो है सो का मतलब झील ही होता है। ठीक, तो इस झील पर जो है वो अभी वर्तमान विवाद है। हालांकि अभी का ये विवाद है और कुछ दिन पहले ही यानी कि जून के महीने में बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिला था इस रीज़न में। इस रीज़न को क्या कहते हैं हम, ये भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही स्थित है। इस रीज़न को कहते हैं हम गलवान वैली। इस रीज़न में भी एक बहुत बड़ा झड़प हुआ था भारत और चीन की सेना के बीच में, जिसमें से भारत के 20 जवान जो है वो शहीद भी हो गए थे। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है इस पेंगोंग झील को लेकर है। अगर आप इस पेंगोंग झील का लोकेशन देखोगे, आगे मैं बताने वाला हूँ इस झील के बारे में विस्तार से, तो ये आपका लद्दाख रीजन के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अगर आप इस झील को जूम करके देखोगे तो ये झील कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और ये जो लाल कलर का डॉट 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 है, ये है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस झील का 90 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो चीन में स्थित है और 45 किलोमीटर का जो झील है वो भारत में स्थित है। तो चीन ने यहीं से घुसपैठ करने की कोशिश की, उसके बाद भारत की चौकी की तरफ फायरिंग किया गया और जवाब में भारत की चौकी की तरफ से भी इस रीजन में फायरिंग किया गया है। तो ये पूरा वर्तमान जो विवाद है वो इस पेंगोंग झील को लेकर है, और यह विवाद भी पुराना नहीं है गलवान घाटी को लेकर। यानी कि ये आप अगर समझोगे तो लद्दाख का ये पूरा पूर्वी रीजन, जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि भारत और चीन को अलग करता है, इस पूरे रीजन में बहुत ही तनाव है पिछले कुछ महीनों से। और वर्तमान हालात को ये देखते हुए नहीं कह सकते कि यह तनाव जो है बहुत जल्द शांत हो जाएगा। भारत और चीन के बीच अगर एलएसी पर वर्तमान विवाद को देखें तो सिर्फ पेंगोंग झील ही वर्तमान विवाद नहीं है, गलवान घाटी भी वर्तमान विवाद ही है, क्योंकि जून में ही उसका झड़प हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो थोड़ा सा ये गलवान घाटी विवाद को भी हम लोग समझ लेते हैं। गलवान घाटी का लोकेशन ये है, ये आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका लद्दाख और ये आपका अक्साई चीन। और यहाँ पर लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है आपका क्या, गलवान वैली यानी कि गलवान घाटी, और यहाँ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है आपका पेंगोंग झील। अगर गलवान घाटी का अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं, तो 1956 तक गलवान घाटी जो है वो संपूर्ण रूप से भारत का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि मानचित्र में भी यह हिस्सा संपूर्ण रूप से भारत का था। लेकिन 1960 में चीन ने पूरी तरह से अपना संप्रभु जताया और अपने मानचित्र में भी इस गलवान घाटी को पूरी तरह से उसमें शामिल किया। लेकिन 1962 में चीन ने अपने मानचित्र में परिवर्तन किया और सिर्फ पश्चिमी भाग को, इस गलवान घाटी के पश्चिमी भाग को अपना क्षेत्र बताया। लेकिन उसके बाद से फिर से लगातार वर्तमान समय में भी अगर कह लो तो चीन जो है पूरा गलवान घाटी को अपना क्षेत्र बताता है, और इसलिए गलवान घाटी को लेकर भी वर्तमान समय में विवाद है।
ठीक है। तो इस रीज़न की वजह से या फिर आप लद्दाख में जितना भी LAC है वो सारे रीज़न समझ लो कि चीन कभी इधर से कभी उधर से किसी न किसी तरह से इस क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, किसी क्षेत्र को कब्जा करने की कोशिश करता है। इस वजह से इस पूरे रीज़न में जो है वो तनाव की स्थिति बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल भी आता होगा कि जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना हुआ है, लाइन खींचा हुआ है कि ये क्षेत्र भारत का, ये क्षेत्र चीन का, तो फिर ये बार बार विवाद क्यों हो रहा है, चीन की तरफ से बार बार इस क्षेत्र में दखल क्यों दिया जा रहा है। तो कई ऐसे एरिया हैं जिसका वास्तविक रूप से LAC कहाँ है यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, यानी कि वास्तविक रूप से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है उसका निर्धारण वास्तविक रूप से नहीं किया गया है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वास्तविक रूप से इसका निर्धारण करना बहुत मुश्किल वाला काम है। जैसे कहीं पर मान लो कि झील आ गया, कहीं पर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां घाटियां आ गई, तो इस वजह से इसका एक्चुअल निर्धारण नहीं हो पाया है और इसी का फायदा उठाकर जो है चीन भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है या फिर भारत के क्षेत्र को कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ विवाद के कारण है। चलिए अब हम यहां पर समझते हैं पेंगोंग त्सो के बारे में। त्सो का मतलब होता है झील, आप इसे पेंगोंग झील भी कह सकते हो। विवाद हमने समझ लिया, विवाद के कारण हमने समझ लिया, अब जिस वजह से विवाद है उसको भी समझ लेते हैं। तो ये है झील का नाम, जिसका नाम है पेंगोंग झील। लद्दाखी भाषा में पेंगोंग का अर्थ होता है समीपता और तिब्बती भाषा में त्सो का मतलब होता है झील, ठीक है। पेंगोंग जो झील है हिमालय में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक लंबी, गहरी और लैंडलॉक झील है। लैंडलॉक का मतलब इसके चारों ओर जो है पहाड़ी है, यानी कि भूभागी है, ठीक है। 135 किलोमीटर इसका लंबाई है और 604 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसकी लंबाई से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर LAC इस क्षेत्र में निर्धारित अच्छे तरीके से नहीं है, क्योंकि फेसिंग तो है नहीं, तार तो खींचा हुआ नहीं है इस क्षेत्र में, तो इस वजह से इस क्षेत्र में घुसपैठ करना आसान हो जाता है और विवाद का कारण जो है इसीलिए उत्पन्न होता है, ठीक है। यह खारे पानी का एक झील है और शीत ऋतु में जब यह झील जम जाता है तो यह आइस स्केटिंग और पोलो के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह माना जाता है। और इस झील का जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 45 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो भारत में है और जबकि 90 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो चीन में है। किस प्रकार से, यहाँ पर आप को एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वाला जो रीज़न है वो भारत में है, ये LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये जो 90 किलोमीटर का क्षेत्र है ये आपका कहाँ आ जाता है, चीन में आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में भी समझते हैं, क्योंकि शुरू से हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कर रहे हैं तो इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 4,057 किलोमीटर लंबी एक सीमा है जो कि ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान, पहाड़ी, घाटी, नदियों से होकर गुजरती है तथा भारत और चीन को अलग करती है। अगर मैं आपको बताऊं तो LAC को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। पश्चिमी, जिसमें आपका लद्दाख स्थित है, अब कश्मीर नहीं, अब सिर्फ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि कश्मीर जो है अब अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC अब पूरी तरह से लद्दाख में है। इसके बाद LAC का एक क्षेत्र कहलाता है मध्य, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है, और एक LAC का क्षेत्र आ जाता है पूर्वी LAC, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य आ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है, सरल शब्दों में समझ लो कि भारत और चीन का जो सीमा का निर्धारण किया गया है उसे LAC कहते हैं। आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न भी है कि LAC को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि 1993 में भारत और चीन के बीच एक समझौता भी हुआ था और उस समझौते के तहत ये कहा गया था कि दोनों देशों के बीच में कुछ भी हो जाए गोलाबारी या फायरिंग नहीं किया जाएगा, और उसी के तहत अब तक जून 2020 तक या फिर अभी जो फायरिंग हुआ उससे पहले तक ले लो, LAC पर जितने भी टेंशन्स क्यों ना क्रिएट हुए लेकिन फायरिंग या गोलाबारी कभी नहीं हुआ। और अब पेंगोंग झील के पास में फायरिंग देखने को मिला है, कितने दिनों के बाद, 45 सालों के बाद,
तो ये पूरा विवाद था पेंगोंग झील को लेकर। 45 सालों के बाद गोलीबारी हुआ। तो इस प्रकार से हमने समझा कि वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच में किस प्रकार से विवाद है, किस एरिया को लेकर विवाद है, क्यों है, सारे पहलुओं पर हमने नज़र डाला। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के द करेंट अफेयर्स में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।